में मुगलों का जिक्र है। 40 पेज तो कम है, अगर उनके लिए 40,000 पेज भी लिखे जाएं तो हिंदुस्तान के लोग उनका आभार नहीं उतार सकते। इससे पहले कि करण जौहर की आने वाली मूवी तख्त बाकी और मूवीज की तरह इतिहास की धज्जियां उड़ाए, हम औरंगजेब आलमगीर के बारे में कुछ सही हकीकत जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जजिया का कानून लगाने के बाद गैर मुस्लिम्स औरंगजेब से नफरत करने लग गए थे। जजिया एक टैक्स होता था जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया गया था। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये टैक्स क्यों लगाया गया था, मगर ये बात का ध्यान रहे कि इस टैक्स को लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हिंदुओं को मुसलमान किया जाए। जिसका सबूत इस बात से भी दिया जा सकता है कि औरंगजेब की फौज में 33% से ज्यादा मुस्लिम्स थे, जिसमें हिंदू और मराठा सबसे ज्यादा थे, जिन्हें अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आजादी औरंगजेब ने दे रखी थी। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पॉइंट्स आजकल न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं उनकी सही हकीकत क्या है। और ये दो या तीन ही पॉइंट है जिस पर सुनने को मिलता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, हिंदुओं पर टैक्स लगाया, मंदिरों को तोड़ा वगैरह वगैरह को सेंटर पॉइंट बनाकर औरंगजेब को बदनाम किया गया है। औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह थे, जिनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उस वक्त उनके दादा यानी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे। औरंगजेब के कुल 4 भाई थे और ये तीसरे नंबर पर आते थे। शाहजहां के चारों बेटों में कम उम्र से ही मुगल तख्त को हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया था। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा सिको को अपना जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब का यह ख्याल था कि वो मुगलिया सल्तनत के सबसे काबिल वारिस हैं। और औरंगजेब ये भी मानते थे कि इस तख्त पर हम चारों भाइयों का बराबर का हक है। शाहजहां को अपना बड़ा बेटा दारा शिको इस हद तक प्यारा था कि वो उसे जंगी कार्रवाइयों में भेजते हुए भी हिचकिचाते थे और उन्हें अपनी आंखों के सामने अपने दरबार में ही रखते थे। मगर औरंगजेब को जंगी कार्रवाइयों में भेजने पर शाहजहां को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। जब शाहजहां को ये लगने लगा कि तख्त की लड़ाई उनके बेटों में फसाद पैदा कर रही है, तो उन्होंने इस इख्तलाफ को खत्म करने के लिए अपनी रियासत को 4 हिस्सों में बांटा। औरंगजेब की उम्र उस वक्त 16 साल थी जब उन्हें पहली बार साउथ की तरफ एक जंग में भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपनी फौज को लीड करके इसमें एक बड़ा रोल निभाया था। और इसी तरह मुराद बख्श को गुजरात और शाह शुजा को बंगाल की तरफ भेजा, लेकिन शाहजहां का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बेटा दारा शिको दरबार में ही रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि दारा शिको ने ना तो कभी जंग का सामना किया और ना ही सियासत का। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के ताज को हासिल करने की जिद्दोजहद में बीमार बादशाह शाहजहां की सपोर्ट के बावजूद औरंगजेब आलमगीर की सियासी समझ और तेजी का मुकाबला नहीं कर पाया। जब 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब तख्त पर बैठे, तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि हिंदुओं और मुसलमानों में जितनी भी फालतू रस्में थी उन सबको खत्म किया, और उस वक्त के 500 बड़े स्कॉलर्स को साथ में लेकर हिंदुस्तान का नया कानून बनाया गया, जिसे फतावा आलमगीरी कहा जाता है, जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। 1659 में दारा शिको के भरोसेमंद दोस्त मलिक जीवन ने दारा शिको को पकड़वाकर दिल्ली भिजवा दिया औरंगजेब के पास। और जिस वक्त दारा शिको को सजा सुनाई गई, उस वक्त हिंदुस्तान का सफर करने वाले इटालियन हिस्टोरियन निकोलाई मनोची ने अपनी बुक हिस्टोरिया दो मोगोर में लिखा है कि जब औरंगजेब ने दारा शिको से पूछा कि अगर उनके किरदार को बदल दिया जाए तो वो क्या करेंगे, तो दारा शिको ने कहा कि वो औरंगजेब के 4 टुकड़े करके दिल्ली के 4 बड़े दरवाजों पर लटकवा देंगे। बिल मुगलिया सल्तनत के बारे में एक फारसी कहावत आम हुआ करती थी, या तख्त या ताबूत। अगर मुगल इतिहास पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हर बादशाह ने तख्त हासिल करने के लिए अपनों का खून बहाया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया सल्तनत के छठे बादशाह बने, जिन्होंने अदल और इंसाफ को अपनी सल्तनत की पहचान बनाया, जिसकी अंग्रेज भी तारीफ करते हैं। औरंगजेब मुगलिया सल्तनत के अकेले बादशाह थे जिन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर पर हुकूमत की और मुगलिया सल्तनत को नंबर 1 बनाया, और जिसकी वजह से इंडिया की GDP सन 1600 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 24% हिस्सा था, सेकेंड लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। और कहा जाता है कि उन्होंने कभी उस पैसे का यूज नहीं किया, वो कुरान लिखकर और टोपियां बुनकर अपना खर्चा चलाते थे। औरंगजेब के ही टाइम पर मराठों से बहुत बड़ी जंग लड़ी गई, जिसमें मुगल सल्तनत की बहुत बड़ी जीत हुई और मराठा सल्तनत को मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया गया। औरंगजेब के टाइम पर इंडिया की समंदरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। औरंगजेब को जंगी सलाहियतों में महारत थी और ये जंग लड़ने में बहुत माहिर थे। उसी दौर में पोर्चुगल से लड़ाई के बाद उनके बंदरगाह पर कब्जा कर उसे मुगलिया सल्तनत में शामिल किया, और इंडिया उस टाइम पर हथियार बनाने में सबसे आगे था और सबसे ताकतवर तोपे बनाने का खिताब भी उस वक्त की मुगलिया सल्तनत को ही जाता है।
जिसकी वजह से मुगल किसी भी जंग को लड़ने के लिए हर वक्त रेडी थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत मेहनती ईमानदार बादशाह थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में रहने वाले हिंदुओं और ईसाइयों को कभी इस बात के लिए फोर्स नहीं किया कि वो मुस्लिम हो जाएं। औरंगजेब का सबसे खास दोस्त भी गैर मुस्लिम था, जिसे जयसिंह के नाम से जानते हैं। और इंसाफ करने में इनकी मिसाल आप इस बात से लगा सकते हैं, जब वो अपने भाई दारा सिको से जंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने भाई को तो माफ नहीं किया, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया जो दारा सिको के खेमे में था। किसी को गाली देने से इतिहास की कोई सही चीज गलत नहीं हो जाती और गलत चीज सही नहीं हो जाती। वेल, पूरी हिस्ट्री 5-10 मिनट की वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि जजिया टैक्स क्या है और औरंगजेब ने यह सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लगाया, जबकि वो तो अदल और इंसाफ परस्त राजा थे। प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन हैं, वो बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के शुरू के 20 साल तक तो कोई भी टैक्स या जजिया टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि 20 साल बाद वो अपनी सल्तनत को और आगे लेकर जाना चाहते थे। उनके खजानों में कुछ कमी आ गई थी, इसलिए औरंगजेब के ऊपर उनके खास सलाहकारों का प्रेशर था कि इस टैक्स को लगाया जाए। और इसमें कई शर्तें भी रखी गईं, क्योंकि ये हिंदुओं में भी ये सब पर लागू नहीं होता था। बुजुर्गों के लिए माफ था, औरतों के लिए माफ था, बच्चों के लिए माफ था, ब्राह्मणों के लिए माफ था, गरीबों के लिए माफ था। ये उन लोगों के ऊपर ही लागू होता था जो उस कैटेगरी में आते थे। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि अगर आप इस टैक्स को नहीं भरोगे तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा। और वैसे भी लॉजिकली टैक्स लगाने से कोई धर्म तो बदलता नहीं, धर्म कोई इतनी सस्ती चीज़ तो है नहीं जो पैसे दे के कोई खरीद ले। तो ये सब गलत पोर्ट्रे किया जाता है। तो जजिया टैक्स इनकम का 0.25% था, यानी 100 रुपए पर 0.25 रुपया, और ये भी सब पर लागू नहीं होता था, मतलब समाज के सिर्फ एक ही तबके पर लागू होता था, वो भी 0.25%। और जबकि मुसलमान 2.5% टैक्स देते थे, जो इस्लामिक कानून के हिसाब से 100 रुपए पर 2.5 रुपए बनता है, जिसे जकात कहते हैं। और ये टैक्स या ये जकात आज भी हर मुसलमान को देना फर्ज है। तो अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों के टैक्स का सिर्फ 0.5% था जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। तो यहीं से ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाता है कि जजिया कानून लगाने का मतलब धर्म परिवर्तन करना था। ये जजिया टैक्स देश की भलाई के लिए लगाया गया था, जैसे हमारे बाबा रामदेव कहते हैं कि पेट्रोल पर टैक्स की भलाई के लिए लगाया गया है। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पूर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। और दूसरे पॉइंट को भी बहुत हाईलाइट किया जाता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को तुड़वाया था या उन्हें डिमोलिश किया था। डॉक्टर पत्थाबी सीतारमैया, जो कि एक एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक फेदर्स एंड स्टोन्स में लिखा है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को इसलिए डिमोलिश कराया था क्योंकि उस मंदिर के बारे में खबर आ रही थी, जो कि हिंदुओं की तरफ से आ रही थी, कि इस मंदिर में पूजा पाठ तो होता नहीं है मगर कुछ अनैतिक काम इसमें किए जाते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। और औरंगजेब इसीलिए ज़्यादा फेमस थे कि वो नैतिक मूल्यों की बात करते थे, और उनके साथ रहने वाले हिंदू राजाओं ने भी इस पर जोर डाला कि इस मंदिर की पवित्रता को खत्म कर दिया गया है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। तो इसको गिराने के पीछे का कारण तो ये था। और अगर दूसरी तरफ देखें तो औरंगजेब मंदिरों को दान भी देते थे, जिसमें एक दो मंदिर के बारे में मैं बता देता हूँ। गुवाहाटी के पास कामाख्या देवी का मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को भी बहुत दान दिया था। और एक वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मंदिर है जिसको औरंगजेब ने सोने की ज्वेलरीज दान करी, जो आज भी कलेक्टर की कचहरी में रखे जाते हैं और हर फेस्टिवल पर श्री कृष्ण जी को पहनाए जाते हैं। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं और आज़ादी के आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने एक बार ये किया कि उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों को औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान या कोर्ट ऑर्डर्स को एक साथ इकट्ठा किया और उसकी एक बुक बनाई, जिसका नाम फरमान्स ऑफ किंग्स औरंगजेब रखा, जिसमें आप देखेंगे कि औरंगजेब किसी मंदिर को कह रहे हैं कि ये 3 जागीर मैं आपको देता हूं ताकि आपकी पूजा और अर्चना का काम चलता रहे।
और ऐसे बहुत सारे सबूत आपको इस बुक में मिल जाएंगे जिस बुक का नाम है फरमांस ऑफ औरंगजेब। तो ये सब बातें करना कि मंदिरों को तोड़वाया था, ये बेबुनियाद बातें हैं। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने एक मस्जिद को भी तोड़वाया था। बेसिकली हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी भी बात के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्यों तोड़ा गया। जब कोलकुंडा के तानाशाह ने औरंगजेब को लगान देने से मना कर दिया तो औरंगजेब ने अपना एक जासूस कोलकुंडा भेजा, क्योंकि उस वक्त पेगासस नहीं होता था। तो इस जासूस ने औरंगजेब से आकर बताया कि इस बादशाह के पास बहुत खजाना है और इसने सारा खजाना एक मस्जिद में छुपा रखा है। तो औरंगजेब ने उस मस्जिद को डिमोलिश किया और खजाने को निकाल लिया। तो राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। राजाओं का इतिहास रहा है कि वो अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए और देश को अच्छे से चलाने के लिए कोई भी नीति बनाते थे। तो सवाल ये है कि औरंगजेब आलमगीर को इतना याद क्यों किया जा रहा है। इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है और मुगल इतिहास को सिलेबस से निकाला जा चुका है। वेल, आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, दुनिया में एजुकेटेड लोगों की भी कमी नहीं है, तो जिसे इतिहास पढ़ना है वो पढ़ लेगा। हमें और आप सबको ये सोचना चाहिए कि इतिहास जैसा भी रहा हो, अभी तो हमारे प्रेजेंट पर फोकस किया जाए। लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप उनसे कोई भी सवाल करो। अगर वो आपको थाली बजाने में बिजी नहीं रखेंगे तो कल को आप उनसे सीधी सड़कें मांगोगे, अच्छे कॉलेजेस मांगोगे, अच्छे हॉस्पिटल मांगोगे और ऐसे बेकार के सवाल करना शुरू कर दोगे। इसलिए वो हर कुछ दिन में एक नया इवेंट लॉन्च कर देते हैं और लोगों को बिजी रखते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो न्यूज़ पर चल रहा है और जो व्हाट्सएप में आपको मिल रहा है, क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि उसकी खुद की फौज में 33% से ज़्यादा मुस्लिम थे, तो इस बात का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि औरंगजेब को अगर मुसलमान करना होता तो सबसे पहले वो अपने फौजियों को करता, अपने एरिया में रहने वाले हिंदुओं को मुसलमान करता। तो इन बेबुनियादी बातों से बचें और ये जो न्यूज़ पे बहसें होती हैं इस बात को लेकर, इनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय। एक और प्रश्न सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो हमारे पर हमला किसने किया? बाबर तो फिर हिंदुस्तानी हो गया। बाबर तो अफगानिस्तान का था, गजनी गोरी सारे अफगानिस्तान के, तो फिर तो हमारे ऊपर किसी ने राजी नहीं किया। फिर तो हम ही थे लोग, हमारे लोगों में से ही कुछ मुसलमान बन गए। जैसे तब मुसलमान बन गए, ऐसे आने वाले टाइम पे मुसलमान बन गए, तब क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया शब्द सामने रखा, हिंदुत्व।